बिसमन इन एडवास रिस्क मैनेजमेंट हमने बात की थी वट इज डेल्टा दैन वी टॉक वट इज़ गैमा आज हम उसकी फर्दर हमने कहा था एम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो विल सी हाउ बोथ द स्ट्रैटीज़ वर्क हाउ दे आर प्लेंग दैन हाउ प्रैक्टिकली यूज डेल्टा गैमा हैजिंग इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी दैट कम्बाइन बोथ डेल्टा एंड गैमा दोनों को यूज़ करते हैं टू हेज मिटिगेट द रिस्क ऑफ चेंज इन अंडरलाइंग एसिड्स एंड ऑल्सो डेल्टा इट सेल्फ एजरलाइंग मूव क्या उसकी जो अंडरलाइंग में मूवमेंट आएगी उसको कैप्चर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करें और उसमें हमने कहा है जो डेल्टा में जो चेंज आएगी उसको भी हमने कैप्चर करना है सो वी गो फॉर डेल्टा गेमा हैजिंग विद डेल्टा हैजिंग अलोन अपोजिशन हैज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइंग खाली अगर आप डेल्टा ओनली की बात करें तो अगर थोड़ी सी चेंज आएंगी अंडरलाइंग में तो वो दैट विल बी कैप्चर्ड हा एवर लार्ज चेंज विल चेंज द हैज यानि कि वो फिर अगर बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज आ गई तो वो हमारी जो हैजिंग सिचुएशन है उसको भी इम्पैक्ट करेगी यानी कि हमारा डेल्टा ही चेंज हो जाएगा लिविंग पोजिशन वॉलरेबल बाडिंग अ गैमा द डेल्टा हैज रिमेन इंटैक्ट अगर गैमा को हम इसमें ले आएंगे तो हम अपना जो पोजिशन है उसको इंटैक्ट रख सकते हैं वी कैन स्टे मोर सेफ

उससे हमें कितना अपने आप को रीएडजस्ट करना है दैट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट किस डायरेक्शन की मूवमेंट है और कितनी मूवमेंट है अ ट्रेडर हु इज़ ट्राइंग टू बी डेल्टा हैज और डेल्टा न्यूट्रल इज यूजली मेकिंग अ ट्रेड दैट इज वेरी लिटल चेंज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्मॉलर मैगनीट्यूड छोटी चेंजिस को कैप्चर करने के लिए हम डेल्टा न्यूट्रल हो गए हैं दैट इज फॉइंट Such a trade is often a bet that volatility or in other words, demand for option will tend towards a significant rise in the future. Then may need readjust It's not capturing for the whole big significant change. But even delta hedging will not protect an option trader very well on the day of expiration. A main issue is when we're going close to expiration, then delta hedging is not purely very

उस सिचुएशन में डेल्टा पर्पज अपना सॉल्व पूरा नहीं करती एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा गैम हैजिंग यूजिंग अंडरलाइंग स्टॉक एज्यूमर ट्रेडर इज इसको स्लोली जरा देखें ये बिल्ड अप करेंगे डोंट रश टू इट जरा इसको ईजी मोड में जाएँ अ ट्रेडर इज लॉन्ग ऑन कॉल स्टॉक द ऑप्शन हैज अ डेल्टा ऑफ पॉइंट सिक्स दिस मीन्स वॉट आप बताएं सिंपल सी बात है कि अगर वन डॉलर की चेंज आती है स्टॉक में तो ऑप्शन में चेंज आएगी पॉइंट सिक्स डॉलर की यानी कि उसका जो उतना जितना उसका डेल्टा का इंपैक्ट है उतना आएगा सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स मूव अप और डाउन उतना ही चेंज हम ऑप्शन में इट्स लाइकली टू सी टू हैज द डेल्टा द ट्रेडर नीड टू शॉर्ट सिक्सटी शेयर्स ऑफ स्टॉक यानी कि हमारे पास हंड्रेड हैं इन टू पॉइंट सिक्स तो हमें सिक्सटी शेयर्स स्टॉक करेंगे हमारी अपनी पोजिशन है उसको हम कैप्चर करने के लिए हमें सिक्सटी शेयर्स के साथ हम अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर लिया बींग शॉर्ट ऑफ सिक्सटी शेयर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट सिक्स डेल्टा का अफेक्ट हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया एज द प्राइस ऑफ स्टॉक चेंजेस सो विल बी द डेल्टा एट द मनी ऑप्शन विल हैव अ डेल्टा नियर पॉइंट फाइव जो एट द मनी बिल्कुल पार है उसका डेल्टा पॉइंट फाइव के करीब हो सकता है द डीपर इन द मनी अगर बहुत इन द मनी है एंड ऑप्शन गोज द क्लोजर डेल्टा गेट्स टू वन यानी इन द मनी है यानी कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करना बहुत बेनिफिशियल है तो उसकी वैल्यू ज्यादा वन की तरफ मूव करनी शुरू कर जाती है दीज आर नॉर्म्स कि जब वो क्योंकि शेयर का इंपैक्ट इतना आना है उतना ही इंपैक्ट तकरीबन ऑप्शन पे आना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं डेल्टा इज गोइंग क्लोज टू वन बिकॉज वो इन द मनी है और एक्सपायरेशन के क्लोज है और बहुत आउट ऑफ मनी है यानी कि बहुत रिमोट है तो फिर ऑप्शन की वैल्यू स्टार्ट गोइंग क्लोज टू ज़ीरो बिकॉज उसका बेनिफिट जो है लाइकलीनेस जो है बहुत रिड्यूस हो जाती है तो यू कैन सी इन द मनी में वन के करीब पला गया बहुत आउट ऑफ मनी में जीरो के करीब और एट द मनी पे है तो वो पॉइंट फाइव की बेल्ट में

जो डेल्टा है उसमें भी पॉइंट टू का चेंज आ जाएगा बिकॉज इट्स क्लोज टू एक्सपायरेशन और डेल्टा की चेंज इज देयर और ये गैमा ने हमें कैलकुलेट करके दिया टू ऑफ सेट द चेंज इन डेल्टा द गैमा द प्रायर डेल्टा हैज नीड टू बी री एडजस्टेड इफ द डेल्टा इंक्रीज बॉय पॉइंट टू देन द डेल्टा इज नाउ पॉइंट एट पहले डेल्टा कितना था जी रिकॉल करें दैट वॉज पॉइंट सिक्स अब चेंज की वजह से हमने कहा है कि पॉइंट टू का फर्दर चेंज आया सो नाउ द डेल्टा इज पॉइंट एट यानी कि बढ़ गया है दिस दैट मीन्स दैट द ट्रेडर नीड्स एटी शेयर स्टॉक शॉर्ट शेयर्स टू ऑफ द डेल्टा पहले हमें सिक्सटी से हमारा काम चल रहा था क्योंकि डेल्टा पॉइंट सिक्स था अब डेल्टा पहुंच गया है पॉइंट एट तो अब हमें इसका मतलब है सिक्सटी से काम नहीं चलेगा वी नीड एटी सो so, हमने ऑलरेडी 60 शेयर्स को शॉर्ट किया हुआ है तो एडजस्टमेंट की क्या जरूरत होकर होगी कि वी शुड शॉर्ट 20 मोर तो फिर हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो होल्ड करेगी इफ़ द डेल्टा अगर अदर केस डिक्रीज बाय पॉइंट टू और वो पॉइंट सिक्स से अब पॉइंट टू डिक्रीज हो गया इसका मतलब है पॉइंट फोर पे आ गया तो अब हमें कितने चाहिए रिक्वायर्ड शॉर्ट शेयर करने हमें चाहिए फोर्टी और हमने ऑलरेडी अपने कितने शॉर्ट कर लिए हुए हैं दैट इज सिक्सटी इसका मतलब है हम ओवर uh, उस वक्त सिचुएशन में आ गए हैं एंड व्हाट वी कैन डू इज़ के जो हमने शॉर्ट किए हुए हैं सिक्सटी उसमें उस से हम ट्वेंटी को बाय कर सकते हैं और हमारी पोजीशन फिर भी इंटैक्ट रहेगी क्योंकि ये मूवमेंट जो हुई है ये हमारी फेवर में हो गई है सो दिस वे यू कैन सी एडजस्टमेंट है कैन बी डन इन बोथ वेज तो गैम सजेस्ट कि आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है टू स्टे न्यूट्रल So this is how the delta and gamma strategy works. Thank you.